सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अचकनी व्लॉग्स। दिस इज मी आदित्य पटियाल एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की जो वीडियो होने वाली है यार, ये बहुत स्पेशल होने वाली है एंड इट इज गोना बी अमेजिंग, ट्रस्ट मी। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा और शुरू में आपने सिनेमैटिक शॉट्स भी जो है वो देख लिए होंगे। सो आज की वीडियो जो होने वाली है, इससे पहले आपने बहुत सी BMW S1000RR देखी होंगी, बट मैं एक चीज बता दूं, जो आज आपको मैं बाइक दिखाने वाला हूँ, दिस इज गोना बी BMW M S1000RR और ये अपने इंडिया की जो है फर्स्ट बाइक है। और पता नहीं शायद और आएंगी या कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी। इस बाइक की जो प्राइसिंग है दैट इज अराउंड 45 लाख और वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम ये बाइक जो है देखने जा रहे हैं। अपने एक भाई हैं देहरादून से जो इस बाइक की डिलीवरी ले रहे हैं, डिलीवरी जो है वो कल है। सो आज जो है हम वो बाइक को देखने जा रहे हैं और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बिकॉज ऐसी बाइकें रोज रोज देखने को भाई नहीं मिलती। और ये बाइक जो है प्योर रेस डायनेमिक बाइक है एंड इट इज जस्ट अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है यार। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगर आप एक सुपर बाइक लवर है तो आप फॉर श्योर इस बाइक को जो है वो इंजॉय करने वाले हो। और मैं ट्राई करूंगा वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने का और बताने का जितनी मुझे नॉलेज है। जाके वहां पे मैं आपको एक एक चीज और लोडिंग्स जो है बाइक में वो दिखाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो करते हैं शुरू और सीधे चलते हैं शोरूम पे और जो बाइक है वो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ और साथ की साथ जो है आपको चीजें भी जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। सो चलो। सो गाइज, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल मशीन यार, कितनी ही प्यारी लग रही है ये बाइक। और एक बार जो है अभी आगे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा क्लोजली भी दिखाता हूँ। सो हेयर इट इज, इंडियाज फर्स्ट BMW M S1000RR। और ये चेक करो भाई, पूरी ये बाइक जो है कार्बन फाइबर से भरी हुई है। और ये डिस्क चेक करो। और ये बाइक मैं बता दूँ, इसमें जितना सामान आप जैसे कि ये देख पा रहे हो, फ्रंट में ये विंग्स लगे हैं कार्बन फाइबर के, जो फ्रंट में मड गार्ड है और ये साइड पैनल्स हो गए, और जितना भी सामान आप इस बाइक पे देखोगे जो एसेसरीज है। और ये कॉकपिट देख लो यार, कितना ब्यूटीफुल है। ये जो इसके क्लच लीवर और ब्रेक लीवर है, ये BMW की थोड़ी सी ब्रांडिंग, ये सब कुछ जो है ये बाइक में स्टॉक है। और आपको ये बाइक ऐसे की ऐसी ही मिलती है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कार्बन फाइबर ना हो। और M Sports, ये देखो भाई छोटा सा लोगो, बहुत ही प्यारी बाइक है भाई देखने में। पर्सनली स्पीकिंग ये देखो भाई, एक और छोटी सी ब्रांडिंग, और ये टायर अगर बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड आई फील यू नो वेरी हैप्पी कि मुझे ये बाइक देखने का मौका मिल रहा है, बिकॉज शायद काफ़ी लोगों में जिन्हें नसीब भी नहीं होगा। और ऐसी कुछ इसकी स्विंगम है BMW की, और बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है। लुक एट दैट ब्रेक पेडल्स, और बहुत ही लाजवाब बाइक है, मतलब असली में तो मज़ा आ गया। और अब आपको एक बार इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ मैं थोड़ी सी स्टार्ट करके। सो गाइज, डू लीव अ कमेंट दैट इफ यू लाइक द साउंड ऑफ द बाइक। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाइक की डिटेल्स के बारे में। जैसे कि ये देखो भाई, सामने जो है ये विंग्स इसके कितने ही बड़े हैं कार्बन फाइबर के। और BMW का बेस्ट पार्ट है यार, जैसे ये छोटी सी ब्रांडिंग हो रखी है और छोटी छोटी डिटेल्स इतनी ज़्यादा होती हैं इनकी बाइक में कि अगर आप खड़े होकर देखने लग जाओ तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बाइक जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, कोई ऐसी जगह नहीं है भाई जहाँ पे कार्बन फाइबर का काम ना हो और छोटी छोटी डिटेल्स ना हो। मतलब आप जितना देखो उतना आपको इस बाइक से प्यार होता जाएगा, और बाइक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और यार ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, जैसे ये कार्बन फाइबर के टायर हगर पे BMW की ब्रांडिंग और बाकी सब जगह भी, ये मतलब आप बोल सकते हो जैसे सोने पे सुहागा होता है ना, वो वाली बात है। और ये पेंट स्कीम भी बहुत ज़बरदस्त है। ये पीछे छोटा सा BMW का लोगो, और मैं ये बता दूं कि इस बाइक में बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से एक्रापोविक का स्लिप ऑन जो है वो ऐसे ही आ रहा है, यू डोंट हैव टू पे। और ये कार्बन फाइबर व्हील्स इसके होते हैं वेट रिडक्शन के लिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारी बाइक है, सब कुछ लोडेड है बाइक के अंदर। मतलब जहाँ आप देखोगे, जैसे कि ये देख लो भाई M Sports की बैजिंग, और ये ब्रेक लीवर का प्रोटेक्टर है। सो ट्रैक बाइक के अकॉर्डिंगली जो सब नेसेसरी चाहिए वो सब BMW इस बाइक में पहले से लगा के देती है। सो ये चेक करो भाई, ब्लू कलर के ब्रेक कैलिपर्स। और मैं बता दूँ ये मोनो ब्लॉक है। यूजुअली जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो दो पार्ट में आते हैं, बट ये एक सिंगल पीस है। सो ये बहुत स्पेशल, और इसके स्पेशल डिस्क पैड्स भी आते हैं। और इस बाइक में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सब कुछ जो है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि स्विंग आर्म हो गया,
और टायर की लेंथ होगी, फुटबैग्स हो गए, इवन द इंजन यू कैन यू नो अपने अकॉर्डिंगली जो एडजस्ट कर सकते हो ऊपर या नीचे, इंजन की भी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो बिकॉज वो रेस ट्रैक्स पे बहुत काम आती है। यार इस बाइक में इतना सब कुछ है कि शायद मैं एक दिन भी लगाऊं तब भी लिस्ट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग। सो ऐसी कुछ एम स्पोर्ट्स बैजिंग के साथ आपको सीट और काउल जो है वो देखने को मिलेगा इस बाइक में। गाइज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे अभी BMW मोटरार्ट से पता चली। ये देखो भाई, इसके जो अंडरबेली है उधर भी BMW ने कार्बन फाइबर डाल दिया, मतलब हैड्स ऑफ है, कोई जगह ही नहीं छोड़ी भाई कार्बन फाइबर ना हो जहाँ पे। सो इस बाइक में भाई सब कुछ जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का यूज़ किया गया। इसके जो क्लच और ब्रेक लीवर है ये मैं फोल्ड करके दिखाता हूँ, ये भी फोल्डेबल है और ये है गाइल्स टूलिंग ब्रांड के, मतलब आप ये बोल लो जैसे गाड़ियों में रोल्स रॉयस है वैसे बाइक पार्ट्स में जो है वो गाइल्स टूलिंग है जो BMW को मैन्युफैक्चर करके देता है पार्ट्स। सो हेयर इज 2021 BMW GS 1250R और ये बाइक भी मैंने सोचा एक बार जाते जाते थोड़ी सी कवर कर दूँ। हेडलाइट्स देखो यार, इसकी अडेप्टिव हेडलाइट्स हैं, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं साइडवेज में भी मूव करती है जो बहुत प्यारा लगता है, और बहुत ही ह्यूज बाइक है। अगर आप ये बाइक देखोगे इस बाइक में भी जो डिटेल्स और फिनिशिंग है वो एकदम मतलब एक नंबर जिसे बोलते हैं वो है भाई। सो अभी मैं इसको भी एक बार मैंने सोचा जाते जाते इस बाइक को भी थोड़ा सा कवर करके आपको दिखा दूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस वाली बाइक के ऊपर एक डिटेल्ड और अच्छी वीडियो बनाऊँ तो एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर करके बोलना। अगर आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे तो मैं इस बाइक पे भी एक अच्छी वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊंगा। सो अभी फ़िलहाल लेते हैं आपसे अलविदा और फिर मिलेंगे किसी और बढ़िया वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ गाइज़।